जय भोले। फर्स्ट ब्लॉग महादेव के घाट में बना रहा हूँ। महादेव का घाट सोमनाथ और यहाँ से जा रहे हो आपका महानदी और ये आपका शिवनाथ नदी, तो दो संगम एक साथ फिर आ गया। तो अभी यहाँ पर पीछे झूला थोड़ा सा झूलने वाला हूँ, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। चलो थोड़ा सा झूल लेता हूँ। हमारा सोमनाथ का मंदिर, अभी मैं दूसरे मंदिर में जा रहा हूँ, लेकिन हमारा प्रमुख मंदिर अगर हम बोले सोमनाथ में तो यही है आपका। तो आप जब भी आइए तो यहाँ पर एक बार दर्शन ज़रूर करिए। और अभी थोड़ा सा और मंदिर दिखाना है तो ब्लॉग में बने लिए, मैं आपको पूरा ब्लॉग में आपको पूरा मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ। तो मैं दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो महादेव के लिए एंड सेकेंड आपका पिकनिक स्पॉट के लिए। पुराना रीति रिवाज का एक अनूठा संग्रह ये भी अभी बचा है, तो ये भी देख लो। जो अभी पुराना बचा है मैं उसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से कुछ ऐसा है एंड बाकी तो नया था जो बना है वो भी नया है। और यहाँ भी एक मंदिर है कुछ अंदर में, ऐसे बहुत सारे मंदिर है लेकिन स्पेस का प्रॉब्लम के नाम से मैं उतना नहीं बना पा रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ज़बरदस्त। तो अभी जो देख रहे थे वो जो कंठी उंठी बोल रहे वो है, मैं नहीं जानता क्या है, तो देख ले। ओम स्वाहा हवन कुंड, सोमनाथ का हवन कुंड। हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग, मतलब फर्स्ट ही ब्लॉग है। आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन अभी तक मेरा इंट्रो नहीं दिया था तो मैंने सोचा फर्स्ट ब्लॉग बना लूँ। और फर्स्ट ब्लॉग महादेव के घाट में बना रहा हूँ, महादेव का घाट सोमनाथ वहाँ बना रहा हूँ। और आप यहाँ जैसे आना चाहते हो तो यहाँ के लिए दो मार्ग हैं, मतलब ये आपको पड़ेगा रायपुर और बिलासपुर मार्ग में, या फिर सिमगा के पास ही नज़दीक है, आप यहाँ से आ सकते हैं। लखना जो कि गांव है वहाँ से आपको डेढ़ किलोमीटर पड़ेगा। अभी से ब्लॉग चालू कर दिया, तो ब्लॉग चालू नहीं करता मैं पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ। लोकेशन सही है और यहाँ बनाने का भी रीज़न मेरा सही है, मास्क अभी लगाया नहीं हूँ, मास्क लगाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि मेरा नाम मेहुल है, मेहुल, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तीन बार पहले से रटा लेता हूँ ताकि आप लोगों नाम कंफ्यूज ना हो। तो मेहुल कुमार लिखता हूँ, लिखने का रीज़न केवल ये है। यहाँ से फेस्ट ठीक है, तो मेहुल कुमार लिखने का रीज़न केवल ये है कि मैं इंडियन को मानता हूँ एंड इंडियन एज अ कल्चर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेहुल कुमार ही लिखता हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट है, ITI भी कोपा किया हूँ, इसलिए थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट कर लेता हूँ। तो इसलिए टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट के हिसाब से ब्लॉग चालू किया हूँ। तो चलिए इंट्रोडक्शन सभी देते हैं, मैं सीधे ब्लॉग से स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम पहुँच गए हैं सोमनाथ, और यहाँ जितने भी कांवड़ वाले हैं, महादेव को जितने भी मानने वाले वो तो जान ही रहे होंगे कि सोमनाथ कहाँ है और कब आते हैं और किस मौसम में आते हैं। चलिए आज का मौसम भी कुछ वैसी है यूनिक। ये लो पीछे देख रहे हो ना, यहाँ पर नाव है और नाव से जो भी है दिख रहा है। मैं बैक कैमरा ऑन कर रहा हूँ, अनबैक कैमरा से ही सब चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। और मास्क पहन लेता हूँ क्योंकि अभी प्रोटोकॉल चल रहा है, सो मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो ये है अपना सोमनाथ और यहाँ से जा रहा है वो है आपका महानदी और ये आपका शिवनाथ नदी, तो दो संगम एक साथ। एंड यहाँ पर है नाव, अगर आप भी कभी भी यहाँ आना चाहते हैं तो वोटिंग कर लीजिए। एंड देन उधर एक मंदिर है और जस्ट बैक मैं मंदिर में ले जाने वाला हूँ आप लोगों को। तो अभी यहाँ का कुछ ऐसा देख लीजिए, चलिए आगे दिखाता हूँ आप लोगों को फिर। तो ये है आपका कृष्ण भगवान, और ये क्या भगवान है नहीं जा रहा हूँ मैं, एडजस्ट कर लेना। माहौल ये है सोमनाथ का लुक, और बाहरे धूप इतना एक नंबर लगा से जस्ट थोड़ा मंदिर
तो ये है गार्डन का लुक, तो आप देख लीजिए गार्डन कैसा है। मैं अभी रियल कैमरा ऑन करने वाला हूँ, तो पहले दिखा देता हूँ बैक कैमरा से, उसके बाद आपको रियल कैमरा भी दर्शन करा दूँगा। लेकिन जितना अच्छा बैक कैमरा से लग रहा है उतना अच्छा मेरे हिसाब से नहीं लगने वाला, तो देखते हैं। यहीं से थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को, इधर पूरा मंदिर है, ये सोमनाथ अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकी समय दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो महादेव के लिए एंड सेकंड आपका पिकनिक स्पॉट के लिए। मैं आप लोगों को ले गया नहीं हूँ जहाँ ले जाना था, वो एक्चुअल में वहाँ पर थोड़ा गंदगी था, सो अभी जितना भी कवर हो पा रहा है मैं कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये पीछे हमारा मंदिर, एंड देन आप देख लेना कि क्या है मंदिर में। मैं अभी थोड़ी देर में आपको मंदिर भी ले जाने वाला हूँ, और एक्चुअल में प्रोटोकॉल का थोड़ा से पालन करने के लिए मास्क लगाना ज़रूरी था, सो मैं अभी लगा लिया हूँ। यहाँ पर पीछे देख लीजिए, ये आपका सोमनाथ का कुछ लुक इस टाइप से। चलिए आगे आप लोगों को और कुछ दिखाता हूँ क्या होने वाला है और क्या नहीं, रास्ता देखते जा रहा हूँ थोड़ा सा। ये पीछे का सारा लुक एंड व्यू आप लोग को दिख रही होगा इस टाइप से। अभी तो दिखाए सब चीज़, चलो मंदिर का भी दिखा देता हूँ, बैक करता हूँ अभी कैमरा। ओके, तो ये हम पहुँच गए भाई सोमनाथ का मंदिर, महादेव का मंदिर, जो कि अंदर से मैं दिखाने वाला था, सो अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है हमारा मंदिर, चलिए महादेव के दर्शन भी करा देता हूँ आप लोगों को। तो ये था आपका महादेव का, चलो मैं बोल नहीं सक रहा था वहाँ पर क्योंकि बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं। कहते हैं ना महादेव के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते, सो उसी टाइप का फीलिंग था। अभी मेरे को घूमना है एक बार एक राउंड, तो अभी घूम लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट में ले जाऊँगा। चलिए कुछ ऐसा है, एक राउंड घूमना पड़ रहा है। ये आपका यहाँ से यहाँ एक और मंदिर है, तो इस टाइप से यहाँ पर का सारा लुक एंड व्यू। ओ मेरा हो गया पैर। ऐसा दिखता हुआ हमारा सोमनाथ का मंदिर। अभी मैं दूसरे मंदिर में जा रहा हूँ, लेकिन हमारा प्रमुख मंदिर अगर हम बोले सोमनाथ में तो यही है आपका। तो आप जब भी आइए तो यहाँ पर एक बार दर्शन ज़रूर करिए। और अभी थोड़ा सा और मंदिर दिखाना है, तो ब्लॉग में बने लिए मैं आपको पूरा ब्लॉग में आपको पूरा मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ। सॉरी अगर थोड़ा सा फेस डल आ रहा है उसके लिए, बाकी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि मोबाइल में ऐसे ही बनता है। जय भोले। फिर आ गया, तो अभी यहाँ पर पीछे झूला थोड़ा सा झूलने वाला हूँ, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। चलो थोड़ा सा झूल लेता हूँ। तो ये है भाई, देख लो व्यू, आमदान व्यू के बाद आप लोग देख लेना क्या है यहाँ का। मैं आगे मंदिर भी दिखाने वाला हूँ, सो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कि मंदिर कहाँ है। कॉपीराइट पड़ जाएगा इसलिए सॉन्ग नहीं सुना रहा हूँ, आधा सुन लो। ओके, ये मंदिर देख लो, आवाज नहीं आ रहा होगा, सुन लो थोड़ा सा, मैं बाद में म्यूजिक डालूंगा।
पुराना रीति रिवाज का एक अनूठा संग्रह, ये भी अभी बचा है तो ये भी देख लूँ। जो अभी पुराना बचा है मैं उसको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर से कुछ ऐसा है एंड बाकी तो नया था जो बना है वो भी नया है। और यहाँ भी एक मंदिर है कुछ अंदर में, ऐसे बहुत सारे मंदिर है लेकिन स्पेस का प्रॉब्लम के नाम से मैं उतना नहीं बना पा रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ज़बरदस्त है। तो अभी जो देख रहे थे वो जो कंठी उंठी बो रहे वो है, मैं नहीं जानता क्या है तो देख ले। ओम स्वाहा हवन कुंड, सोमनाथ का हवन कुंड। थोड़ा सा और यहाँ पर का एक रहा वो पार लिख दे, चला है लथे बने वो दूसरों चला था, हम उसने चला था भाई। हाँ चल जाओ, कौन कहाँ है वो पार है? किरतपुर, किरतपुर हाँ, ध्रुव जिला माथे का है ना। हाँ चला यहाँ था नहीं जा यार, मेरे नाव चला डर था, वो नाव कहाँ करे जाऊँ बता तो, मुझे जानता था नहीं।